आता आपल्या बरोबर आहेत मुंबईहून वैशाली फोंडेकर, त्या पंडितजींना प्रश्न विचारणार आहेत. पंडितजींना वैशालीजी विचारा पंडितजींना प्रश्न. आमचा धंदा पाणी व्यवस्थित होत नाहीये, सगळीमध्ये लॉस लॉस लॉस, दागिने गेले, सगळं म्हणजे भरपूर जोर से बोलेंगे. वैशालीताई जरा तुम्ही थोडस जोरात बोलला तर पंडितजींना अगदी स्वच्छ ऐकू येईल. हॅलो, हा बोला. माझ्या मिस्टरांची जन्मतारीख 24 फेब्रुवारी 71. 24 फेब्रुवारी 1971 अशी तुमच्या मिस्टरांची जन्मतारीख आहे. 2:40 जन्म आहे. दुपारी 2:40 जन्म आहे. त्यांची राशी काय? त्यांची मकर राशी. मकर राशी है. क्या पूछना चाहती हैं आप? आवाज इधर. सब में लॉस हो रहा है हमारा ना, बिजनेस चल रहा है, सब सब जगह पे लॉस लॉस लॉस. त्यांचा धंदा तोट्यात गेलेला आहे, त्यांचे दागिने खर्च झालेले आहेत आणि त्यांचे दागिने, त्यांचं घर वगैरे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या अडचणीत आलेल्या आहेत. त्या पुरत्या त्यांच्या कौटुंबिक ऐसा है, आपके हस्बंड की मकर राशी है, मकर राशी के अगर छोटा ढैया चल रहा है शनि का, बाकी की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी. 19 फरवरी 2012 से अब तक ऐसा समझ लीजिए कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है. पिछले 2.5 सालों में अगर नौकरी करते थे तो नौकरी छूट गई है, वातावरण अच्छा नहीं है. उनको बोलिए शनि की आराधना करें, एक नीलम धारण करें और हो सके. धारण किया था वो गिर गया. हाँ, देखिए मतलब कहने का कि जो काम अच्छा था वो भी बुरा हो गया. जो आप ऐसा है कि नमाज पढ़ने गए और मस्जिद गले में आ गई, ऐसी बात हो गई. तो मैडम एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ प्रश्न से ही आपका निवारण होने वाला नहीं है, कष्ट निवारण पूजा करानी पड़ेगी, शिरडी जाकर मत्था टेकना पड़ेगा, उसके बाद आप शनि शिंगणापुर जाकर प्रणाम करके आइए और उसके बाद अपने घर में कष्ट निवारण, क्योंकि घर में क्लेश भी बहुत है वैशाली आपके. हाँ हाँ. घर में हर बात में जब भी आप खाने पे बैठते हैं तो कोई ना कोई क्लेश पड़ा रहता है. इन दिस रिगार्ड ऐसा होता है कभी कभी कि आत्महत्या करने की भी मन करता है. अच्छा. इसलिए आपको ये 3-4 निवारण करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके घर में कुछ सुख शांति आएगी. तो शिरडी और शनि शिंगणापुर जाना पड़ेगा. शिरडी आणि शनि शिंगणापुर तुम्हाला जावं लागेल वैशालीताई, असं पंडितजींचा सल्ला आहे.